हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो देखो पहले इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं एक बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है 10 सेकेंड में। मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ से इस पोजीशन तक गई 10 सेकेंड में। ठीक है, अभी यहाँ से आगे टोटल यहाँ पे गए और 11 सेकंड में यहाँ तक पहुँचे। मतलब 10 सेकंड में बॉडी यहाँ पे थी और 11 सेकंड जब कंप्लीट हुए यहाँ तक पहुँचे। तो हमसे पूछा गया कि 11वें सेकंड में ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या पूछा गया कि 11वें सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, यही हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। nth जनरल वैल्यू है या जनरल नंबर है। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाले में पूछा जाए कि भैया 9 सेकंड में बॉडी यहाँ पे थी, 10 सेकंड में यहाँ पे पहुँच गई, तो 9 से 10 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में यही पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। मतलब nth सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। nth वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता 5 हो सकता 6 हो सकता 7 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसे हटा देते हैं। देखो, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ at square, s is equals to ut plus half at square। ये क्या है? Distance traveled in t time। क्या है ये? Distance traveled in t time या t second में। t second में कितना distance travel किया गया? 30 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये कह दूं कि n सेकंड में बॉडी इस पोजीशन पे पहुंची, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, n सेकंड में बॉडी इस पोजीशन पे पहुंच गई, तो n माइनस 1 सेकंड में कहां पे रही होगी? n माइनस 1 सेकंड में यहां पे रही होगी। तो nth सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बॉडी ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो अभी इससे पहले ही अभी मैंने आपको समझाया था कि फॉर एग्जांपल अगर ये 9 सेकंड है और ये 10 सेकंड है, 9 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना। 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतना। 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वो ये। क्या है? 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वो ये है, वो 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। ठीक, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। तो अगर मैं टी की वैल्यू को एन मान लेता हूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? यह जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये है एन सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया गया। ठीक है, अगर मैं t की जगह पे n माइनस 1 रख दूं, क्या रख दूं? t की जगह पे n माइनस 1 रख दूं, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? मतलब n माइनस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा? ये हो जाएगा u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या है? ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। n सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल, n माइनस 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल। अभी वही कि 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 9 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो 10वें सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जाएगा, या फिर nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये हो जाएगा s
ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन माइनस वन सेकेंड। ठीक है, एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और एन माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनको इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और हमें मिल जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एस सेकेंड। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये एस एन कितना है, ये है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और दूसरा कितना है, ये है यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये यू एन हो जाएगा माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर को खोल देते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो गया। ठीक है, ये यू एन ये सारे टर्म्स ऐसे ही रहेंगे, इसको भी अभी ब्रैकेट नहीं खोल रहे हैं, ये हाफ ए एन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा सर, माइनस ए एन बचेगा। अब क्या करना है, हमने ब्रैकेट भी खोल देना है, ब्रैकेट खोल देते हैं हम, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस और ये प्लस माइनस हाफ ए, ये माइनस और ये माइनस प्लस ए एन हो गया। अच्छा, जितने भी टर्म्स ऐसे हैं जो सेम है और उनके सामने अगर अपोजिट साइन है तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जैसे यू एन और माइनस यू एन है ना, ये दोनों टर्म्स क्या हैं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं और एक के आगे पॉजिटिव और एक के आगे नेगेटिव था तो इन्हें हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, ये वाला टर्म भी दिख रहा होगा, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, ये भी सेम है तो ये भी हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इस साइड में लिख लेते हैं, ज़रा इस साइड रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा हुआ है अभी एक u बचा हुआ है माइनस हाफ a प्लस ए एन। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बचा हुआ है, चेक करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ। ठीक है, तो s nth u, अच्छा इनको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लेते हैं, ए एन को आगे लिख देते हैं और माइनस हाफ ए को पीछे लिख देते हैं, इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचता है एन माइनस हाफ। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या जाएगा, टू एन माइनस वन और ये ए बाई, ठीक है, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, क्या है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, इतना। इसमें जो टर्म्स हैं ये क्या है, sn sn क्या शो कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, u क्या है u है इनिशियल वेलोसिटी, n क्या है n सेकेंड मतलब जितने सेकेंड की बात की जा रही है, ए क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे मिल गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आ गया हो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ज्वालबा कोचिंग क्लासेस के साथ, थैंक यू।